नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करना चाहते हो तो काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस से आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो। आप अगर मोबाइल बैंकिंग एक्टिव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, PPF अकाउंट खुलवा सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हमें बैंक में जाके हमें काम नहीं करना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग से आपसे काम हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है, लेकिन वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बीच में अगर कोई स्टेप आप स्किप करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करने के लिए। वैसे तो बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेट बैंकिंग के लिए bobibanking.com, ये वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है रिटेल यूज़र और दूसरा है कॉरपोरेट यूज़र। हमें रिटेल यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिटेल यूज़र पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ौदा कनेक्ट यूज़र आईडी, इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ लॉगिन, ये नीचे यहाँ पांच ऑप्शन दिए गए हैं। पांच में से हमें लास्ट टू सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग डेबिट कार्ड, मतलब हमारे ATM कार्ड की मदद से हम आज इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करने वाले हैं। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग डेबिट कार्ड। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं इस टाइप का फिर से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे वेरीफाई कोड, मतलब ये कैप्चा कोड दिख रहा है, ये आपको एंटर करना है। यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद ये लॉगिन वाला बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपल। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड की जो डिटेल है वो सब डिटेल एंटर करनी है, डेबिट कार्ड की डिटेल। यहाँ पे कार्ड नंबर, जो आपके कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर है कार्ड नंबर, वो आपको इधर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट, मतलब वो जो कार्ड नंबर है उसके नीचे लिखा होता है एक्सपायरी मंथ और ईयर, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे ATM पिन, यहाँ बाजू में आप देख सकते हो वर्चुअल कीबोर्ड है, उसकी मदद से आप ATM पिन अपना एंटर कर दीजिए। ATM पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा दिख रहा है आपको, शो कर रहा है, वो कैप्चा सिंपल एंटर कर देना है। सामने कैप्चा एंटर करने के बाद वैलिडेट लिखा है उसके ऊपर आपको सिंपल सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो एक OTP आपके मोबाइल पे गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी, आपका जो नेम है और सरनेम वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। यूज़र आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और टाइप ऑफ फैसिलिटी, यहाँ पे दो फैसिलिटी दी गई है, एक तो व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट और दूसरा है व्यू राइट्स। व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट में आप, मतलब आप देख भी सकते हो, ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसमें खाली आपको व्यू राइट्स मिलेगा। इसे यहाँ पे मैं व्यू और ट्रांजेक्शन राइट पे सिलेक्ट करता हूँ। ये पासवर्ड आप पढ़ सकते हो कैसे क्या बनाना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उस हिसाब से आप पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पे दो पासवर्ड आपको बनाने, एक है साइन ऑन पासवर्ड और दूसरा है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। दोनों पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए और 8 डिजिट के होने चाहिए। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो उस टाइप का आप पासवर्ड बना सकते हो। पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद एक कंटिन्यू है, उसके ऊपर आपको सिंपल एक क्लिक करना है। यूजर आईडी हैज बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड एंड पासवर्ड आर सेट ऑन, यहाँ पे कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूजर आईडी शो कर रहा है। यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है गो टू लॉगिन पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो यूजर आईडी बनाया था वो यूजर आईडी यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। टाइप करके यहाँ पे लॉगिन बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपने जो साइन ऑन पासवर्ड बनाया है वो साइन ऑन पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है सिंपल। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख रहा होगा, वो कैप्चा कोड आपको ध्यान से एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे लॉगिन बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एनरोल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एनरोल नाउ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पर्सनल मैसेज शो कर रहा है, उसमें आपको कोई भी मैसेज रख सकते हो, आपका नाम वगैरह। और सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है, 15 क्वेश्चन, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप ऐसे आंसर सिलेक्ट कीजिए जो आपको याद रहे, जैसे आपका सिटी, फेवरेट फ्रूट, ऐसा कोई भी 5 आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको फ्यूचर में अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको रिसेट करने में आसानी हो सकते हो। और यहाँ पे मैंने 5 सिक्योरिटी के क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अभी यहाँ पे आपको एक्जिस्टिंग साइन ऑन पासवर्ड, जो आपका पुराना था, वो यहाँ पे एंटर करना है और नीचे न्यू साइन ऑन पासवर्ड एंटर करना है। और यहाँ पे साइन ऑन पासवर्ड फिर से एक नया एंटर करना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे पुराना एग्जिस्टिंग, मतलब आपका पुराना जो साइन ऑन पासवर्ड था
वो आपको एंटर कर देना है। मैं एंटर कर देता हूँ साइन इन पासवर्ड मेरा। यहाँ पे नया पासवर्ड हमको एंटर करना है, फिर से नया पासवर्ड यहाँ पे आपको रिपीट करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है आपका। इस पेज पे टोटल आपको तीन चीज करना है और पांच सिक्योरिटी के क्वेश्चन आंसर दे देने हैं। और एग्जिस्टिंग साइन ऑन पासवर्ड है उसमें आपका पुराना साइन ऑन पासवर्ड, और यहाँ सेकंड और थर्ड में आपने जो नया साइन ऑन पासवर्ड बनाया है वो आपको एंटर करना है। और ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड में आपने जो पहले ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाया था वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कैसे एंटर करना है। उसके बाद ये रजिस्टर वाला बटन है उसके ऊपर आपको सिंपल एक क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करते हो द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब ये आपका अभी रजिस्टर हो गया है। अभी आपको फ्रेश लॉगिन करना है। यहाँ से मैं लॉगआउट कर देता हूँ। यहाँ पे यूजर आईडी एंटर करने के बाद ये लॉगिन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके साथ आपका अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे 91 कोड डालना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कंटिन्यू है उसके ऊपर आप प्रेस कीजिए। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू है उसके ऊपर एक सिंपल एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइन ऑन पासवर्ड डाल देना है। साइन ऑन पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको कैप्चा शो कर रहा है, आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन बटन है उसके ऊपर आपको सिंपल प्रेस करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो आपका अकाउंट शो कर रहा है, आपका जो भी अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट है लोन है सब अकाउंट शो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट में जाके ऑपरेटिव अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी, अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी आ जाएगा, लोन अकाउंट है वो सब शो करेगा, आपके पीपीएफ अकाउंट है वो भी। यहाँ पे आप पीपीएफ अकाउंट का नंबर डाल के यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में भी अकाउंट लिंक कर सकते हो, और ट्रांसफर आप ट्रांसफर विद इन बैंक आउटसाइड बैंक IMPS PPF अकाउंट में जमा कर सकते हो, क्रेडिट सुकन्या समृद्धि में कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट आप सेट कर सकते हो। सर्विस की बात करें तो सेट रिसेट डेबिट कार्ड पिन, मतलब आपका डेबिट कार्ड का पिन अगर आप भूल गए हो तो यहाँ से आप रिसेट भी कर सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट में आपको अगर न्यू रिक्वेस्ट करनी है, आधार लिंक करना है, कोई सर्टिफिकेट आपको निकालना है, FD रिलेटेड बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो। जनरल सर्विस में डिटेल एक्टिवेट इंक्वायरी ट्रांजेक्शन लिमिट सेट गवर्नमेंट टैक्स, अगर आप IPO भी बिडिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो आपको। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही इजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग एक्टिवेट आज ही कर दीजिए आपकी डेबिट कार्ड की मदद से। और बहुत सारी सर्विस ऐसी है जो आप घर बैठे यूज़ कर सकते हो और आपका कीमती टाइम आप बचा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नए एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।